खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात प्रदेश के सबसे बड़े अवैध बजरी घोटाले की। तो गोचन में कराए गए ड्रोन सर्वे से इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। अवैध बजरी खनन, डीएमएफटी, जीएसटी चोरी, रवनाओं में गड़बड़ी कर सरकारी खजाने को 55 करोड़ की चपत लगाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद खनन विभाग में हड़कंप मच गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए यह खास रिपोर्ट। प्रदेश का सबसे बड़ा अवैध बजरी घोटाला। पहली बार ड्रोन ने खोली घोटाले की पोल। सरकारी खजाने को लगी 55 करोड़ की चपत। खान विभाग के अधिकारियों की फूली सांसें। मामला गोटन का है, जहां 13 जनवरी को कराए गए ड्रोन सर्वे में बजरी के अवैध खनन और परिवहन का मामला उजागर हुआ है। ड्रोन सर्वे के बाद 1416 रवन्नाओं की जांच की गई थी, तो लीज धारकों द्वारा 4646 टन बजरी भेजना सामने आया, जबकि इन वाहनों की भार क्षमता 26,571 टन होती है। जिससे जाहिर होता है कि लीज धारक एक वाहन का 3 टन का रवन्ना कटवा कर 18 टन बजरी परिवहन कर रही थी। इस मामले में खान विभाग ने 74,79,000 की रॉयल्टी चोरी का मामला बनाया है और 10 गुना पेनल्टी के हिसाब से 7,48,00,000 की रिकवरी निकाली। अवैध बजरी घोटाला सामने आने के बाद गोटन के सभी नए बजरी खनन पट्टों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। वहीं 43 खनन पट्टों के ड्रोन से सीमांकन के लिए ड्रोन सर्वे टीम के साथ 3 कर्मचारियों को लगाया गया है। ड्रोन सर्वे में सामने आया कि यहां 43 में से 42 खनन पट्टों में अवैध खनन हो रहा था। यहां से 16 खनन पट्टेधारियों ने 1,52,000 टन बजरी का खनन किया, जबकि रबन ने 4,45,000 टन के जारी कर दिए, यानी 3,44,000 टन बजरी दूसरी जगह से मंगवा कर रवन्ना का दुरुपयोग हुआ। ऐसे में इन पट्टेधारियों पर 12,21,00,000 रुपए की राजस्व चोरी का मामला बनता है। वहीं बाकी 26 खनन पट्टेधारियों ने 15,94,000 टन बजरी खनन किया, जबकि रॉयल्टी सिर्फ 5,79,000 टन की ही चुकाई। ऐसे में इन पर 36,06,00,000 रुपए का मामला बनता है। इस मामले में खान विभाग ने गोटन के तुला यंत्रों को भी एमओयू शर्त के उल्लंघन का दोषी माना है और उन पर धारा 379 और 420 के तहत मामला दर्ज कराने की सिफारिश की है। साथ ही ब्लैकलिस्ट करने के लिए डीएम जीओएमएस को प्रस्ताव भेजने की सिफारिश की है। हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से 36 खनन पट्टों को जुलाई 2019 से अक्टूबर 2019 के बीच ईसी जारी हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने कम वक्त में उन्होंने इतनी भारी मात्रा में बजरी खनन कैसे कर लिया। इस मामले में गोटन के खनिज अधिकारियों की मिली भगत के संकेत भी मिल रहे हैं। अब देखना होगा कि ड्रोन सर्वे में इतना बड़ा अवैध बजरी घोटाला उजागर होने के बाद खान विभाग दोषियों पर कब तक कार्रवाई कर पाता है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।